राजधानी देहरादून के आईटी पार्क में यूको बैंक द्वारा अपना प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया, जिसका आज विधिवत रिबन काटकर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सोमा शंकर प्रसाद द्वारा शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड स्थित यूको बैंक अंचल कार्यालय देहरादून के नवनिर्मित भव्य भवन का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सोमा शंकर प्रसाद के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रेस वार्ता भी बुलाई गई एवं देहरादून नगर की शाखाओं प्रमुख की समीक्षा बैठक होटल एमरल्ड में की गई। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बैंक निरंतर प्रयासरत है, साथ ही यूको बैंक हमेशा बाजार में किसी भी उत्पाद को लाते समय ग्राहकों की जरूरतों को सामने रखता है। इसी क्रम में पूर्व अनुमोदित प्री अप्रूव्ड व्यक्तिगत ऋण की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें बैंक के ग्राहक जिन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है वे 24/7 आधार पर तुरंत PAPL का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अन्य डिजिटल प्रस्ताव लाने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं और बैंक उत्पादों को बैंक सुव्यवस्थित कर रहा है। बैंक की ब्याज दर मार्केट स्तर पर काफी कम है। यूको बैंक घर बैठे डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। बैंक के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सुविधा लॉन्च की गई, जिसमें 2 DBU यूको बैंक के हैं। इस बैठक में अंचल प्रबंधक श्री प्रदीप आनंद केशु जी की अध्यक्षता में शाखाओं से आए शाखा प्रमुखों से ग्राहक हित को ध्यान में रखते हुए बैंक के उत्तरोत्तर विकास हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं नए सुझावों को शामिल किया गया। अंत में सभा का समापन मुख्य प्रबंधक श्री अरुण कुमार ने मुख्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी स्टाफ सदस्यों एवं उपस्थित प्रेस संवाददाताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर उप अंचल प्रमुख श्री नवदीप कुमार एवं अंचल के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मठानी की रिपोर्ट। यही बोलते रहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को सी व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ वी वांट टू प्रोवाइड देम द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, बट वी आल्सो एक्सपेक्ट देम टू वर्क वेरी हार्ड। इनफैक्ट वी हैव ऑल वर्कड। यूको बैंक का एक खासियत है कि सब लोग मिलजुल के काम करके PCA से बाहर आ गए। नाउ द बैंक हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट्स। बहुत उपलब्धि रही है। अगले भी मेरा यही मैसेज होगा एम्प्लॉयज़ को कि हम एक कोशिश तो इट इज़ नॉट देयर इज़ नो एंड ना, ये कोशिश तो जारी रहना चाहिए। So we should not slacken in our efforts and we should keep this go take it forward like this so that bank as a whole grows. अब employee का हम employee को कुछ जब कर सकते हैं कि जब bank profit बनाएगा, ज़्यादा profit बनाएगा, अच्छा करेगा। तो ये इसमें पूरे partners हैं, हम पूरे employees और management, ऐसा कोई employee कोई management नहीं, customer हम सुबह पूरे partners हैं इसमें। तो जब profit बढ़ेगा, business बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ को भी हम कुछ अच्छी चीज़ दे सकते हैं, कर सकते हैं। सो कोशिश यही होगा कि मिलजुल कर काम करें और बैंक का अच्छा रिजल्ट हो। सर, जो बिल्डिंग का इनोग्रेशन आपने किया, कैसी लगी आपको वो बिल्डिंग? नहीं, बहुत अच्छा लगा उसको। इनोग्रेशन डिले हुआ, क्यों बोले तो कोविड के टाइम पे कंप्लीट हुआ था, तो वी कुड नॉट डू इट एट दैट टाइम, तो आज किया गया। वो बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है जोनल ऑफिस की उधर। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उसमें काफ़ी सारा वेकेंट स्पेस भी है, लैंड बहुत ज़्यादा लैंड है। तो हमारा कोशिश यही होगा कि दूसरा फैसिलिटीज़ लाइक एम्प्लॉई के लिए फ्लैट्स बना सकते हैं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज बना सकते हैं उधर बैंक की। तो हमारा यही कोशिश होगा कि अगले जो वेकेंट लैंड है उसका भी ठीक से हम यूटिलाइज करें, सो दैट बहुत अच्छा प्लॉट लिया है बैंक ने उधर, उसका पूरा फ़ायदा उठाए। तो जोनल ऑफिस का जो बिल्डिंग है बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना है, मॉडर्न बिल्डिंग। सो फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो जो अच्छा वर्किंग कंडीशंस होते हैं, वो लोग करने का काम करने का भी इच्छा होता है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जो वेकेंट लैंड है हम उसको ठीक तरफ से यूटिलाइज करें, सो दैट बैंक को फायदा हुआ। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।